नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। बात करता हूँ कैंसर की और मेंटल हेल्थ की। और जब बात आती है कैंसर की, तो उसको एड्रेस करने के लिए ऑन्कोलॉजी से बेहतर कौन हो सकता है। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनीत शाह, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में काम करते हैं। और हम जो है आज एड्रेस करना चाहेंगे कि कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको जो कीमोथेरेपी से बहुत डर लगता है, या शायद मैं अगर ये कहूँ कि सबको कीमोथेरेपी से बहुत डर लगता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, उसमें एक विशिष्ट आउट से प्रोटोकॉल्स होते हैं। कुछ लोग जो है, कई सारे कैंसर पेशेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला है कि पहले जो है हम कीमो देंगे, फिर सर्जरी करेंगे या फिर रेडिएशन देंगे, उसके बाद फिर कुछ ब्रेक करेंगे, उसके बाद फिर फिर से कीमो देंगे। तो बड़े डर से जाते हैं कि इतना लंबा चलेगा हमारा ट्रीटमेंट। तो ये जो भी मेन मोडालिटी, कई बार आई डोंट नो कि वो शायद आप बेहतर बता सकेंगे, जो कुछ पहले समय कीमो देते हैं या कम डोज में कीमो देते हैं, उसके बाद फिर से कीमो देते हैं, ये क्यों करते हैं, क्या है क्या ये? तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं अर्ली स्टेज लंग कैंसर की। और अर्ली स्टेज लंग कैंसर वेरी इंपॉर्टेंट है कि या तो उनका सर्जरी होना चाहिए या तो उनका रेडिएशन होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि उनका बॉडी से में से बाहर निकालना, वो ट्यूमर इजीली बाहर आना चाहिए बॉडी से, या तो स्ट्रक्चर्स डैमेज नहीं होने चाहिए या तो कोई भी ट्यूमर अंदर रह नहीं जाना चाहिए। तो ये सर्जन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं कि ईजिली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर उन लोग बोलते हैं कि हाँ सर्जरी हो पाएगी, तो उन लोग पहले ट्यूमर बॉडी से बाहर निकालते हैं और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि ट्यूमर को बाद में कीमोथेरेपी लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी, जो हम लोग सर्जरी के बाद देते हैं। लेकिन कभी कभी डिसीजन ऐसा हो जाता है कि हम इजीली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, पेशेंट को डैमेज हो सकता है, कोई ट्यूमर अंदर रह सकती है, तो पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो ट्यूमर को हम श्रिंक करें। इसको हम लोग बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी जो है, यूजली हम लोग 4 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं। पहले हम लोग सिर्फ कीमोथेरेपी देते थे, अभी हम लोग इसमें इम्यूनोथेरेपी भी जोड़ रहे हैं, लेकिन इम्यूनोथेरेपी हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो यूजली 4 साइकिल कीमोथेरेपी देते हैं ताकि ट्यूमर और जो नोड है, जो बीच में मीडिएशन नोड बोलते हैं, वो साइज जब कम हो जाती है तो हम आराम से ये ट्यूमर बाहर निकाल सकते हैं। एक बात है कि अर्ली स्टेज लंग कैंसर में 4 साइकिल कीमोथेरेपी की जरूरत है, कि हम पहले दें कि बाद में दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा है कि उसका 5 ईयर जो सर्वाइवल बेनिफिट है, हम पहले दें या बाद में दें, सेम है। तो अगर हमने 4 साइकिल कीमोथेरेपी पहले कंप्लीट की है तो बाद में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने पहले ऑपरेट की और बाद में 4 साइकिल दी, उसके आगे ज़रूर नहीं है। अभी उसके काफ़ी और मॉडिफिकेशन आ गए हैं कि मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी, मतलब कीमोथेरेपी के साथ मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी जोड़ना है नहीं जोड़ना है। सेकेंडली, कीमोथेरेपी के साथ इम्यूनोथेरेपी जोड़ना है नहीं जोड़ना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम कीमोथेरेपी के बारे में बात करें। हर एक पेशेंट को ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी देने से हर एक को साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है। हम पेशेंट को पहले देखते हैं कि पेशेंट कीमोथेरेपी के लिए फ़िट है या फिट नहीं है। पेशेंट को डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। तीसरी बात, जो कीमोथेरेपी का दवाई है वो हम देखते हैं कि पेशेंट को सूट होगी कि नहीं होगी। सपोजिंग एक पेशेंट को है कि डायबिटीज़ है और उनके हाथों पैरों में झुनझुनी होती है, काफ़ी सारे कीमोथेरेपी ऐसे हैं कि वो झुनझुनी बढ़ा सकती है, तो हम वो अवॉइड करते हैं। दूसरी बात ये है कि कीमोथेरेपी का डोज के साथ साथ जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम उसको अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और किसी को अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है तो हम डोज कम कर लेते हैं। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम कीमोथेरेपी जाए और ज़्यादा डिले ना हो और पेशेंट सर्जरी के लिए फिट रहे, ये हमारा मेन उद्देश्य है। ओके, सो जब आप बोलते हैं न्यू एडजुवेंट, मतलब वो पहले वाली चीज़, न्यू एडजुवेंट पहले और एडजुवेंट बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि ये मतलब पहले दें या बाद में दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मतलब क्या वो क्राइटेरिया होते हैं कि मतलब जैसे आपने बोला कि अर्ली स्टेज लंग कैंसर, अब लंग कैंसर की अगर हम बात करें तो अर्ली स्टेज लंग कैंसर पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। करें शायद वो, आई डोंट नो, आप ज़्यादा जानकारी होंगे कि शायद वो रेयर केस होता हो। करें सो इसमें कितना फ़र्क पड़ता है? तो हमने हमारे क्लिनिक्स में देखा है कि 20%, 30%, 50% मीन ओनली 20% ऑफ द पेशेंट्स अर्ली स्टेज में मिलते हैं, 30% लोकली एडवांस होते हैं जिनको ऑपरेट नहीं किया जाता है, और 50% स्टेज 4 रहते हैं। तो ये जो 20% पेशेंट में है, इट कैन बी स्टेज 1 से लेके स्टेज 3A तक सारे ऑपरेट किए जा सकते हैं। wow. अभी 1 से 3 में साइज क्राइटेरिया देखेंगे तो less than 3 सेंटीमीटर भी आता है एंड more than 5 सेंटीमीटर भी आता है।
वेरी इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ साइज नहीं कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, और कोई भी क्रिटिकल स्ट्रक्चर अगर पास में है तो उनको इजीली अगर ऑपरेट किया जा सकता है तो ऑपरेट करेंगे, लेकिन क्रिटिकल स्ट्रक्चर के पास है सर्जन बोलता है कि हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे तो उसको डेफिनेटली श्रिंक करना पड़ता है। ओके, सो जस्ट फॉर माई क्यूरियोसिटी ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडियंसेस, जैसे आपने बोला कि कीमो न्यू अर्जेंट कीमोथेरेपी आपने दी, ऑपरेट कर दिया और उसके बाद फिर से कीमोथेरेपी दे दी, तभी भी सर्जरी की तभी भी रेडिएशन की जरूरत पड़ती है या? अभी रेडिएशन के स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, अभी सिर्फ पोस्ट ऑप रेडिएशन जो हम लोग बोलते हैं पोर्ट ट्रायल करके थी जो बोलती है कि रूटीनली सर्जरी कीमो दिया सर्जरी किया तो रेडिएशन की जरूरत नहीं है। ओके, बहुत स्पेसिफिक सिनारियो है कि जैसे कोई अगर ट्यूमर रह गए अंदर या अगर नोड में बीमारी थी, एक ट्यूमर रहता है और एक नोड रहता है, अगर नोड में बीमारी है और वो नोड से बाहर गई बीमारी तो हम लोग एडजुवेंट जो है मतलब सर्जरी के बाद कीमो रेडिएशन दे सकते हैं, रेडिएशन दे सकते हैं, या तो फिर अगर कोई ट्यूमर अंदर रह जाती है या चिपक गई हो पूरी तरह से नहीं निकाल पाते तो रेडिएशन लगता है, नहीं तो नहीं लगता। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए और हमारे ये क्वेरी को आंसर करने के लिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमारे वीडियो के बारे में, हमारे कंटेंट के बारे में, प्लीज़ कीजिए एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू गेट बैक टू यू। थैंक यू।